नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी प्रतिष्ठा, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। साड़ियों का ढेर जैसे जैसे ऊंचा होता जा रहा था, कमों का दिल बैठा जा रहा था। उन कीमती साड़ियों के चकाचौंध से उसकी आंखें पथरा गई थीं, और भैया थे कि उन्हें एक भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अम्मा के दिए हुए 200 रुपये उनकी मुट्ठी में पसीज रहे थे, पर उन्हें भैया को सौंपने का उसका साहस नहीं हो रहा था। भैया के उस ओर बैठी भाभी भी शायद इसी संकोच में डूबी हुई थी, इसीलिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने से कतरा रही थी। अम्मा ने रुपए उन्हीं के सामने तो दिए थे। जब वे लोग चलने लगे तो अम्मा ने एक और लेकर उसे हौले से समझा दिया था, पैसे बच जाएं तो एक धोती तू अपनी भी ले लेना, पर पहले से बोलना नहीं। कम्मू ने सोच लिया था कि पैसे बच रहे हैं तो वह अम्मा के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लेगी। पता नहीं कब से वे ही पुरानी साड़ी पहनती चली आ रही हैं। भैया की शादी पर 4-6 साधारण सी जुड़ गई थीं बस। समधियाने से आई हुई कामदार साड़ियां तो अम्मा ने चाची को ही पकड़ा दी थी। अब मुझ पे क्या ऐसी धोती अच्छी लगे, अम्मा कहती रहीं। पर सच तो यह था कि वे चाची को कुछ अच्छा सा देना चाहती थीं। भैया की शादी की सारी टीम टाम उन्हीं की बदौलत संभव हुई थी। वहीं बारात चढ़ी थी, उसी बंगले में डोला उतरा था, फिर बदले में कुछ तो करना ही था। घर से चली थी तो लगा था अम्मा ने उसके हाथ में खजाना रख दिया है। यहाँ आकर अपनी हैसियत पता चलती है। उसे तो मालूम भी ना था कि दुनिया में इतनी महंगी साड़ियाँ बिकती हैं। अपनी याददाश्त में उसने सबसे महंगी साड़ी भैया की शादी के लिए खरीदी थी, 90 रुपए में। एट होम के दिन पहनी भी थी, पर ऐन वक्त पर चाची ने घुड़क दिया, ये जापानी जॉर्जेट कहाँ से उठाई लाई बिन्नू, आजकल कोई पहनता भी है? और फिर उन्होंने अपनी ही एक भारी चंदेरी निकाल कर दी थी। पूरी शादी भर चाची अम्मा को, दीदी को, कम्मों को साड़ियाँ पहनाती रहीं और नौकरों चाकरों के बीच फुसफुसाती भी रहीं, दुल्हन का चढ़ावा तो बाद में जाएगा, पहले तो इन्हीं लोगों का नेक करना पड़ता है। उस अपमान की याद से उसे झुरझुरी सी हो आई। आंखें खोल कर देखा, भैया उसी तरह देख परख रहे थे। भाभी चुपचाप सिर झुकाए हाँ हूँ कर रही थी। अचानक उसे एक काल्पनिक सहेली की याद हो आई। भैया आप लोग देखिए, मैं जरा सुकेश से मिल आऊँ, टेस्ट का पूछ लूँगी, कल कॉलेज नहीं गई थी ना। और रुमाल में बंधे मुड़े तुड़े नोट भैया को पकड़ा कर बाहर चली आई। बाहर आते ही लगा एक बोझ सा सिर से उतर गया है। वह कुछ देर तक पड़ोस की दुकान पर रेशम की लच्छियों का मोल भाव करती रही, साड़ियों के फॉल्स देखती रही। 15-20 मिनट बाद दुकान में लौटी तो साड़ी पैक की जा चुकी थी। भैया ने 10 रुपये और बिल उसे थमा दिया। 178 की साड़ी, 12 का ब्लाउज पीस। बिल देखा और उसे खुद ही झेप हो आई। उसे इस तरह फौरन बिल नहीं देखना चाहिए था, भाभी ने क्या सोचा होगा। लेकिन भैया को भी इस तरह बिल और बचे हुए पैसे लौटाने की क्या ज़रूरत थी। अब, भाभी ने पूछा, अब क्या, घर चलो, भैया ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया। तब कम्मों को ध्यान आया कि उनका चेहरा तमतमाया हुआ है। इस तरह अचानक मूड उखड़ने का कारण उसकी समझ में नहीं आया। पहले तय हुआ था कि लौटते समय कॉफ़ी हाउस चलेंगे, इसीलिए शायद भाभी ने पूछा भी था। वैसे एकाएक प्रोग्राम बदल जाने का कम्मों को दुख नहीं हुआ, भैया के साथ कॉफ़ी हाउस जाते उसे डर भी लग रहा था। एकाध बार सहेलियों के साथ जरूर गई है वहाँ, पर तब तो मन पर कोई टेंशन ही ना रहता था। लेकिन भैया के सामने वह छुरी कांटे से खा भी नहीं सकेगी, ना ही हाथ से खाने का उसे साहस होगा।
भाभी के सामने ही झिड़क देते भैया तो और किरकिरी हो जाती। तांगे में बैठकर सीधे वे लोग घर ही आ गए। भाभी को ये तांगे बहुत भा गए हैं, बस जब भी बाहर जाएंगी इन्हीं पर। तांगे से उतरकर कम्मो तो सीधे घर आ गई। भैया भाभी सामने शर्मा जी के यहाँ अपने डेरे में चले गए। जब भी कम्मो उन्हें वहाँ जाते देखती है मन इतना भारी हो जाता है, भाभी के आने का आनंद ही आधा रह जाता है। जब पहली बार उसे मालूम हुआ था कि इन लोगों के लिए शर्मा जी के गेस्ट रूम्स लिए जा रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसने अम्मा से कहा भी था, यह क्या करने लग जाती हो अम्मा तुम, पता है भैया इतने नाराज़ होंगे। कुछ नाराज़ नहीं होगा, उसी ने लिखा है, अम्मा ने धीरे से कहा तो वह सन्न रह गई। भैया की शादी चाचा जी के इलाहाबाद वाले बंगले में हुई थी। वहाँ ना तो वह बंगला अपना सा था ना भाभी। यहाँ अपने घर में भाभी को निकट से देखने का, पहचानने का, प्यार जताने का सपना था उसका, पर वह भी झन्न से टूट गया। जब वहीं रहना था तो शर्मा जी को क्यों नहीं लिख दिया, वही इंतज़ाम कर देते, उसने भुनभुनाते हुए कहा। अम्मा कुछ नहीं बोली, हंसकर रह गईं। इस व्यवस्था से वे खुश थीं या नाराज़ पता ही नहीं चला। बड़ी जल्दी आ गए रे तुम लोग, अम्मा ने आते ही टोक दिया। दरअसल वे जो पूछना चाहती थीं वह कम मुँह ताड़ गई थी। उत्तर देने से बचने के लिए चुपचाप कपड़े बदलने चली गई। बाहर निकलकर देखा, पीछे वाले दालान में नई साड़ी का पैकेट लिए अम्मा खड़ी हैं और सामने तनी हुई मुद्रा में भैया खड़े हैं। उसे पसंद नहीं आई क्या, साड़ी की मुलायम सतह पर हाथ फेरते हुए अम्मा ने सहमे स्वर में पूछा। पसंद आने का सवाल कहाँ उठता है, मैं तो यह कह रहा हूँ तुम्हें रुपए देने की क्या ज़रूरत थी, और वह भी उसके सामने, मुझसे कह भर देती मैं। लेकिन बेटा ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तू तो उसे ज़िंदगी भर पहनाएगा उढ़ाएगा। हाँ हाँ आपकी तरफ से देना था इसीलिए तो कह रहा हूँ, पहली बार घर पर आई है, उसके पीहर वालों ने सोचा होगा कुछ चीज़ बनवा कर देंगी। वह ना सही, पर कम से कम साड़ी तो ढंग की देनी थी, 200 रुपल्ली देकर भेज दिया। जानती हो उसके घर में पहनने की साड़ियाँ 150 से कम की नहीं हैं। भैया की आवाज़ क्रमशः ऊंची होती जा रही थी और उसी अनुपात में अम्मा का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। कम्मों का मन हुआ कि भैया को झिझोड़ कर पूछे, रुपए तुम्हारे लिए रुपिल्ली में कब से बदल गए। कमो बेटे हमारा सामान लगा देना, गुसल खाने से निकलते हुए बाबूजी ने आवाज़ दी। जी बाबूजी, कमो ने कहा और अम्मा जी की तरफ देखने लगी। सोमवार है ना आज, अम्मा ने अस्फुट स्वर में कहा तो वह समझ गई। उसने खूंटी से झोला निकाला, उसमें बाबूजी की रेशमी धोती गरम शॉल तहा कर रखी, फिर रेशमी आवरण में लिपटी पोथियों के ढेर में से 16 सोमवार व्रत कथा निकाली। ये कहाँ की तैयारी हो रही है, भैया ने गुर्रा कर पूछा। गर्ग साहब के यहाँ ताई जी 16 सोमवार कर रही हैं। अम्मा आज तो उद्यापन होगा ना। हाँ, अम्मा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दोनों हाथों में सिर थाम लिया भैया ने, आप लोगों ने क्या मेरी बेइज्जती करने की ठान ही ली है, वे बिलख कर बोले। क्यों अब क्या हो गया, अम्मा ने घबरा कर पूछा, क्या आज वहाँ जाना इतना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है ही बेटा, 16 सोमवार ये ही जाते रहे, उद्यापन तो इन्हें ही करवाना होगा। सो तो करवाना ही होगा, नहीं तो मेरी नाक कैसे कटेगी, भैया ने तिक्त स्वर में कहा। अम्मा को भी तैश आ गया, इसमें नाक कटने की कौन सी बात है, पूजा ही तो करवा रहे हैं, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन भर तंबाकू मसलते हुए
खुले बदन बैठे रहते हैं, सो भी बहुत अच्छा करते हैं। आप धुआती रसोई में सबको कांसे की थालियों में खाना खिलाती रही हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। 15 दिन पहले से पत्र लिख दिया था, पर घर में ढंग की 4 कप प्लेट भी ना ला सके आप लोग? फिर बार बार बहू को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? गलती हो गई बेटा, बाबूजी संध्या वंदन करके दलान में आ गए थे। बहुत गलती हो गई बेटा, जो तुम्हें हमने निमंत्रण दिया। दरअसल हमें याद ही नहीं रहता कि तुम अब सिविल सर्जन के दामाद हो। हम तुम्हें अभी अपना मुन्ना ही समझते चले आए हैं, जो इसी टूटे फूटे घर में बड़ा हुआ है, इसी जजमानी के बल पर ही जिसे मैंने। और दरवाजे की ओर देखकर बाबूजी एकदम चुप हो गए। सबने मुड़कर देखा, दरवाजे में सिर झुकाए सहमी सिकुड़ी भाभी खड़ी थी। सबको यूं एकाएक अपनी ओर घूरते देख और भी सकुचा गईं। कम्मो के पास आकर धीरे से बोली, दीदी दीदी बाहर कोई आए हैं, बाबूजी को पूछ रहे हैं। कम्मो दौड़कर बाहर देख आई और बताया कि महेश भाई आए हैं बाबूजी को लिवा ले जाने के लिए। अम्मा ने कातर दृष्टि से भैया की ओर देखा। आपकी मर्जी में आए सो कीजिए, भैया ने कहा और तीर की तरह बाहर निकल गए। कमो, महेश से कह दे त्रिपाठी जी को बुला ले, हमारा जाना नहीं हो सकेगा, साहब बहादुर का ऑर्डर नहीं है। और बाबूजी आंगन में जाकर खटोले पर लेट गए। देर होती देख महेश भाई दनदनाते अंदर चले आए। चाचा जी कहाँ हैं कमो, नहा रहे हैं क्या? जल्दी कर लेते तो ठीक था, 2 घंटे पूजा में लग जाएंगे, फिर खाना, रात के 12 बजना तो निश्चित है। और मुसीबत तो ये है कि अम्मा ने आज हम सबको भूखों मार डाला है। महेश भाई बोलते बोलते चुप हो गए और वातावरण का जायजा लेते हुए बोले, कमो बात क्या है? बात कुछ नहीं है, आप ज़रा देर बैठिए, भाभी ने एकाएक आगे बढ़कर कहा। तो अम्मा और कम्मो दोनों चौंक पड़ी। महेश भाई की ओर एक स्टूल सरकाते हुए भाभी पूजा घर की ओर चली गईं। पटरे पर झोला रखा था और आसपास ढेर सी चीज़ें थीं। उन सब को झोले में ठूंस कर कम्मो को दिखाया, दीदी ठीक है? कम्मो को हंसी आ गई। झोला हाथ में लेकर उसने फालतू चीज़ें निकाल कर यथास्थान रख दी और कहा, अब ठीक है, चश्मा रह गया है। अम्मा ने धीरे से याद दिलाया, फौरन ढूंढ ढांड कर उसे भी रखा गया। अरे वाह, भाभी जी तो एकदम एक्सपर्ट हो गई, महेश भाई बोले। एक्सपर्ट कहाँ हुई अभी, अभी तो सीख रही हूँ, भाभी ने सलज्ज मुस्कान के साथ कहा। फिर कमो से बोली, बाबूजी से कह दीजिए सब तैयार है। बाबूजी से कहना नहीं पड़ा, आंगन में बैठे बैठे सब सुन ही रहे थे। उठे और भारी भारी कदमों से महेश भाई के पीछे चल पड़े। उनका सिर झुका हुआ था और मुद्रा भी खिन्न थी। जाते हुए महेश भाई फिर एक बार लौट कर भीतर आए। चाची आप लोग भी ज़्यादा देर ना कीजिएगा, मैं अभी माँ से एक्सप्रेस पूजा करवाता हूँ, बस आप लोग फटाफट आ जाइए। महेश भाई के सामने अम्मा मुस्कुराती रहीं, पर उनके जाते ही एकदम उदास हो गईं। वहीं दीवार के सहारे धम्म से बैठ गईं। थोड़ी देर में ये कैसा तो नाटक हो गया था। अम्मा जी क्या हम लोगों को भी जाना है वहाँ, भाभी ने पूछा। हाँ बेटा जाना तो था, बिना जाने बूझे तुम लोगों का भी निमंत्रण ले बैठी हूँ मैं, अम्मा ने उसांस भर कर कहा और चुप हो गईं। उन्हें देखकर कम्मो का जी कैसा तो हो आया। आज के भोज का कल तक कितना उत्साह था, मन में सोचा था अपनी सुंदर सुशील एमए पास बहू को लेकर शान से वहाँ जाएंगी। अब तक तो लोग होनहार बेटे को लेकर ही उनके भाग्य को सराहते थे, अब राम जानकी का जोड़ा देखेंगे तो बधाइयों का तांता लग जाएगा।
सारी उमंगों पर पानी फिर गया था। वहाँ कौन सी साड़ी पहन कर चलूँ अम्मा जी, भाभी पूछने लगी तो अम्मा ने चकित होकर सिर उठाया। पहन लो कोई अच्छी सी, उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा। ये नई वाली पहन लूँ, अम्मा ने चुपचाप पैकेट हाथ में पकड़ा दिया। वे अनमनी सी हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीधा पल्लू लूँ या ठीक रहेगा, भाभी जैसे पीछे पड़ गई थी। देखो बहू, इस बार अम्मा की आवाज़ जरा तेज थी, पहले अपने साहब से पूछ आओ, बाद में हंगामा वो करेगा और पास पड़ोस में फजीहत हमारी होगी। यह कोई तुम्हारा बंगला नहीं है, घर से घर सटा हुआ है, जरा जरा सी बात पर लोग कान पर, भाभी के कानों तक जैसे अम्मा की बात पड़ी ही नहीं। कमों को खींचती हुई बोली, चलिए दीदी, आज आप हमारी पसंद की साड़ी पहनेंगी, और उसे घसीट कर ही अपने साथ ले गई। शर्मा जी के यहाँ गेस्ट रूम में अंधेरा था, दरवाजे खुले हुए थे। भाभी ने अंदर पहुंचकर स्विच दबाया और कमरा रोशनी से नहा उठा। पलंग पर भैया गुमसुम से लेटे थे, दोनों को देखकर उन्होंने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। भाभी ने अपना सूटकेस उठाकर कमों के सामने उलट दिया, लगा जैसे फिर से वह चैताली के शोरूम में पहुंच गई हैं। दीदी, अम्मा जी सोच रही होंगी कैसी लालची लड़की है ना? क्यों, एकदम नई साड़ी ही मांग बैठी, पर क्या करूं, नया कपड़ा देखते ही मन फिसल जाता है ना। कम्मो पूछना चाह रही थी कि आपको साड़ी सचमुच पसंद आ गई है, पर अवसर ही ना मिला। भाभी भैया का सूटकेस खोलकर उनके कपड़े निकाल रही थीं। प्रेस बंद पजामा कुर्ता उनके सिराहने रखते हुए भाभी ने उन्हें झकझोरा, अब उठिए भी, यह कोई सोने का वक्त है, मुझे परेशान मत करो। भैया गुर्राए, नहीं करूँगी, बस आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, देर हो रही है। कहाँ जाना है? वहीं जहाँ बाबूजी गए हैं। मैं नहीं जाऊँगा, बस बोर मत करो। और भैया ने चादर मुंह तक ओढ़ने की कोशिश की, पर भाभी ने बीच में ही पकड़ लिया और कहा, वाह, जाएंगे कैसे नहीं, 16 सोमवार का निमंत्रण है, इस तरह नकारा जाता है कहीं, पाप लगता है। भैया एकदम उठ बैठे, वाह, तुम तो एकदम अच्छी खासी पंडिताइन बन गई यहाँ आकर, पाप पुण्य की बात करने लगी, उनके स्वर में व्यंग था। तो पंडिताइन नहीं हूँ क्या, मैं कोई अंग्रेज हूँ, पंडित के घर पैदा हुई, पंडित के घर ब्याही गई, और क्या कहोगे मुझे। फिर एकदम भैया के पास बैठकर नरम स्वर में बोली, देखो प्लीज़ आज मना मत करना, तुम्हें हमारी कसम, सोचो तो आज अगर हम लोग ना गए तो चार लोगों के बीच अम्मा बाबूजी की क्या साख रह जाएगी, अपने घर तो हम अपनी मर्जी से जीते ही हैं, यहाँ आकर अगर सबका मन ना रख सके तो आने का अर्थ ही क्या हुआ। कम्मो चुपचाप वहाँ से खिसक गई, उस अंतरंग वातावरण में अपनी उपस्थिति उसे बड़ी फालतू सी लग रही थी। और फिर घर पर अम्मा भी थीं, अकेली उदास, वे क्या यूं ही उदास रहेंगी, खुशी के ये थोड़े से क्षण उनके साथ भी तो बांटने होंगे। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।